अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी 2:28 हो रहे हैं और हम लोग चेक करेंगे कि एमईपी का इलेक्शन जो ये लोग तेलंगाना में और पूरे वर्ल्ड में जो लड़ने वाले थे उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, आज का डेट एंड टाइम अभी कंफर्म कर देते हैं। 2:28 यानी 2:30 का स्टेटस। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि पार्टी वाइज रिजल्ट में जो जिनको कोई सिग्निफिकेंट सीट मिलने की उम्मीद है उनको यहां पे लिस्ट किया गया है, लेकिन यहां पे एमईपी को लिस्ट नहीं किया गया। ठीक है, तो हमको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमईपी ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। ओके, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अपने को सर्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां पर है संगारेड्डी। अब लोग बोलेंगे, अब देखिए यहां पर एमईपी को अगर आप चेक करेंगे तो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, यहां पे पुलिस रामचंद्र जी जो है उनको 34 वोट्स मिले हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको रिफ्रेश कर दूंगा ताकि ये करंट स्टेटस पता चले, और यहां पे देखेंगे कि इनको 34 वोट्स मिले हैं। ठीक है, पुलिस रामचंद्र, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी। उसके बाद सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम आएंगे तो यहां पर नीचे जाके देखेंगे कि मुलकल्ला राजेंद्र प्रसाद जी को 225 वोट्स मिले हैं। यहां पे मैं रिफ्रेश कर दूंगा ताकि करंट स्टेटस हमको दिखाई दे। 225 पार्टी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट से आपको मैं अपडेट दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी महिला एम्पावरमेंट पार्टी के लिए ये है मानाकोंडूर। ओके, यहां पे आप देखेंगे तो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी से पद्मा जी जो है उनको 619 वोट्स मिला है। ओके, इसको रिफ्रेश कर दूंगा ताकि कोई डाउट्स नहीं रहे। 657 हो गया है अभी। ठीक है, और इनको जीतने के लिए यानी 78,000 वोट्स जो है यानी और आगे लेना है, इनको 657 है। इनको संगारेड्डी से जीतने के लिए 39,000 और वोट्स चाहिए, लेकिन 34 वोट्स मिला है। ओके, और इनको जीतने के लिए 79,000 और वोट्स चाहिए, समझो लीड करने के लिए, और इनको मिला है 225। अब फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जाएंगे, उप्पल में। ओके, इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं पहले। उप्पल में जो एमईपी के कैंडिडेट हैं महिला एम्पावरमेंट पार्टी के, उनको 52 वोट्स मिला है और इनको जीतने के लिए 66,582 वोट्स और चाहिए, यानी नंबर वन स्पॉट में आने के लिए। और उसके बाद लास्ट फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हम देखें तो सरलिंगमपल्ली। सरलिंगमपल्ली, इसमें रिफ्रेश कर देते हैं इसको ताकि करंट स्टेटस भी हमको मालूम पड़ जाए। यहां पे नीचे जाएंगे तो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के कैंडिडेट को 33 वोट्स मिला है और इनको जीतने के लिए 39,336 वोट्स चाहिए। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कल को हमको ये बोला जाएगा कि हम जीते या हम यानी किसी और को हराने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर यानी जो कि इनको मतलब किसी को हराने वाला भी स्टेटस नहीं है, वोट कटवा वाला भी स्टेटस एमईपी पार्टी को नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, 33 वोट्स और उसके बाद 52 वोट्स, उसके बाद ये मैडम ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है 657 वोट्स, उसके बाद 225 वोट्स, ओके, और उसके बाद 34 वोट्स। ये स्टेटस है ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के इलेक्शन का। आज का डेट एंड टाइम देखेंगे तो अभी 2:32 हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।